हेलो डियर स्टूडेंट मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्व का जो हमने डिफ्रेंशिएशन चैप्टर देखा है उसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आते हैं किस प्रकार आते हैं तो एम एस और जे में मैथमेटिक्स के किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो पहला एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल वन ठीक है एग्जाम्पल वन let f of 1 let f of 1 is equal to 3 f dash of 1 is equal to minus 1 by 3 g of 1 is equal to g of 1 is equal to minus 4 and g dash of 1 is equal to minus 8 by 3 then the derivative of then

बी है सेवन बाई थ्री सी है थर्टी वन बाई फिफ्टीन एंड डी है कैपिटल लेटर में स्मॉल तो लेटर में लिखे तो चलेगा डी है हमारे पास ट्वेंटी नाइन बाय फिफ्टीन तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास ओके तो हमें यह इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या दिया है पहले तो हमें डेरिवेटिव निकलना है वैल्यू दी है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री जी ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस फोर एंड जी डैश ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस एट बाई थ्री ये हमें वैल्यू दी हुई है फाइंड करना है हमें डेन द डेट ऑफ तो हम क्या करेंगे इसको जो हमें दिया है वो आप लिखता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू सपोज स्क्र रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट होल स्क्वेयर प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट होल स्क्र तो हमें क्या करना है इसका डेरेट निकलता है डेरेट निकलना है मतलब डिफ्रेंशिएट किया तो आपको अभी डायरेक्ट आना चाहिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत साइड किया तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मीन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ओके okay. ये हो गया हमारा इंटू डेरीविटिफ एक्स डेरेटिव मीन यहाँ पे क्या है ए एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव हमें अगेन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टू एफ ऑफ एक्स इन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टू जी ऑफ एक्स इन टू जी डैश ऑफ एक्स तो ओके ऐसा ये डेरेट आ मतलब टू नीचे आया अगेन एफ ऑफ एक्स का डेटिव लेते हैं हम तो इस प्रकार हमें ये डेरेटिव होगा अभी क्या, अब क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखो वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या था थ्री थ्री का स्क्वेयर नाइन नाइन प्लस जीओ जी क्या था माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन ओके इंटू टू एफ एक्स एफ एक्स क्या है हमारे पास थ्री ओके इंटू एफ डैश एक्स डैश ऑफ एक्स क्या है माइनस वन बाय थ्री ओके प्लस टू जी ऑफ एक्स क्या है जी ऑफ एक्स है हमारे पास जी ऑफ एक्स है हमारे पास माइनस फोर एंड जी डैश ऑफ एक्स क्या है एट बाय थ्री माइनस एट बाय थ्री माइनस एट बाय थ्री ओके ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आएगा वन अपॉन टू इंटू फाइव डेट मीन सिक्सटीन प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट क्या होगा फाइव टू इंटू फाइव मतलब टेन निचले नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इन टू इन ब्रैकेट ए थ्री थ्री कैंसल या फिर रहेगा माइनस वन और माइनस वन प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर इंटू टू एट एट इंटू फोर एट सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर बाय ओके सिक्सटी फोर बाय माइनस वन यहाँ पे आ गया माइनस वन इंटू माइनस ये टू इधर का है प्लस सिक्सटी हो गए ये हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं तो क्या आ क्या वन बाई टेन इंटू माइनस टू प्लस सिक्सटी फोर बाय थ्री ओके वन बाय टू माइनस सिक्सटी फोर बाय थ्री ठीक है 3, okay? 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया हमने तो क्या आएगा? देखो वन बाय टेन इंटू सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्सटी फोर अपॉन थ्री मतलब क्या आएगा इक्वल डिम्प्ला इधर लिखता हूँ मैं माइनस uh, सिक्सटी 64 सिक्सटी फोर माइनस में आएगा मतलब क्या आएगा उसका फिफ्टी एट बाय थ्री ए इंटू वन बाई टेन है मतलब क्या आएगा फिफ्टी एट बाय थर्टी फिफ्टी एट बाय थर्टी दैट मीन्स क्या आएगा अगर टू से आपने डिवाइड किया क्या 29, क्या 50, क्या 29 तो क्या आएगा ट्वेंटी नाइन और यहाँ पे क्या आएगा फिफ्टी दैट मींस क्या आएगा ट्वेंटी नाइन 50 फिफ्टी तो ये हो गया हमारा आंसर ट्वेंटी नाइन बाई फिफ्टी देट मीनस में क्या है ट्वेंटी नाइन बाई फिफ्टी मतलब डी आंसर हमारा राइट right है ओके okay? तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल हमने देखा है तो डेरिवेटिव निकाला है सिंपली और वैल्यू पुट कर दी इसके लिए आपको क्या है सब फंक्शन के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए और स्पीडली कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करने पड़े के बाद में एक दो मिनट में एक मिनट में आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते चलो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल हम आप लिखेंगे है इफ़ वाई इज इक्वल टू इफ वाई इज इक्वल टू शेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स then then dy डी एक्स at x is equal to one is then डी वाई बाई डी x एट equal to इक्वल टू वन क्या रहेगा is equal to equal to क्या रहेगा तो ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शन है हमारे पास टेन इन ए है वन बाई टू b है वन c है वन बाय रूट टू एंड d है रूट टू ओके तो ये चार ऑप्शन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स सॉरी सेक इन वाई इज इक्वल टू सेक टेन इनवर्स ऑफ एक्स देन डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन है इज इक्वल टू क्या रहेगा वन बाय टू रहेगा वन रहेगा वन बाय रूट टू रहेगा रूट टू रहेगा तो हम इसको सिंपली सॉल्व करके देखेंगे y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स हमारे पास दिया है सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स सीधा डेरी निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डे क्या होता है सेक एक्स सेक मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स मतलब सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू डे रिटी ऑफ टेन दैट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स आएगा ओके वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र तो डी वाई बाय डी एक्स एट क्या बोला है एट एक्स इज इक्वल टू अगर हमने वन डाला तो यहाँ पे क्या रहेगा सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन ये होगा पहला इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब क्या रहता है यहाँ पे यहाँ पे रहता है एक्स ओके एक्स की वैल्यू वन डाली तो क्या रहेगा यहाँ पे वन ही रहेगा इंटू वन ऑफ वन प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन रहेगा तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा सेक इनवर्स ऑफ सॉरी सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन टेन इनवर्स ऑफ वन मतलब क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ वन मतलब होता है पाई बाय फोर टेन की वैल्यू कौन से एंगल में वन है तो ये पाई बाय फोर में है तो इसलिए सेक ऑफ पाई बाय फोर हो गया इंटू वन है इं वन अपॉन टू हो गया वन प्लस वन वन अपॉन टू ओके तो यहाँ पे क्या हो गया देयर फोर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अभी शेक ऑफ पाई बाय फोर शेक पाई बाय फोर क्या होता है शेक पाइव बाई फोर की वैल्यू होती है रूट टू और ये अपॉन टू आएगा ठीक है रूट टू अपन टू इसको कंपाउंडो डिडो मेथड से अगर हमने सॉल्व किया मतलब क्या करते हैं रूट टू इंटू रूट टू अपॉन टू इंटू रूट टू मतलब रूट टू से मल्टीप्लाई किया रूट टू से डिवाइड किया तो यह आएगा टू अपॉन टू रूट टू डेट मीन टू टू कैंसल यहाँ पे क्या आएगा वन बाय रोट टू मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे हमारा आंसर है वन बाय रोट टू मतलब सी तो इस प्रकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करने के जो जो सिंपल एग्जाम्पल रहते हैं उसके लिए कम टाइम हम यूज़ करेंगे और जो बड़े एग्जाम्पल है उसके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल टाइम हम देंगे तो ये ऐसे प्रॉब्लम के लिए हमें टाइम कम से कम लेना चाहिए और बड़े एग्ज़ाम्पल के लिए ज़्यादा टाइम हम हमको फिर अभी आ, मिल सकता है तो ये प्रैक्टिस करना है अच्छी इस प्रकार हमने ये सेकेंड एग्ज़ाम्पल देखता है इसके बाद में देखते हैं थर्ड एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू इक्वल टू दिया है हमारे पास ए साइन थीटा माइनस थीटा इन कॉस थीटा फाइंड फाइंड बोला है फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्र और देन डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स ऐसा भी देन भी यहाँ पे आप सकते हैं देन और फाइंड तो देन डी स्क्र वाई बाय डी एक्स डबल डी रूट निकलना है तो ऑप्शन दिए है हमारे पास है सेक्स स्क्र थीटा दूसरा है माइनस को सेक्स स्क्र थीठा तीसरा है सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीठा एंड लास्ट वन है नन ओके okay. तो इस प्रकार हमें पास ऑप्शन है तो हम वन बाय वन सॉल्व करके देखेंगे ज़्यादा स्पीड लेना चाहिए थोड़ा हम लिखते हैं यहाँ पे डी एक्स एक्सक्ल हमारे पास जाए ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा ओके थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड वाई जी कोल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा देन डी स्क् डी एक्स का क्या आएगा तो ये ऑप्शन है ए थीटा सॉरी स्क्र थीटा बी ऑप्शन है माइनस को सेक्स स्क् थीटा सी ऑप्शन है हमारे पास पास्यूब थीटा अपॉन ए थीटा एंड डी है नन तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू दिया था हमें रूट निकालेंगे उसका डी एक्स बाय डी थीटा है हमारे पास तो क्या आएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज प्रोडक्ट रूल है साइन थीटा का डिरेक्टिव कॉस थीटा इन प्लस साइन थीटा ओके साइन थीटा ऐसे यहाँ पे हमने अभी इसको लिख दिया तो प्रोडक्ट रूल लॉ डेरिवेटिव अभी यूज़ किया थीटा एज इट इज साइन थीटा के डेक्टिव कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरेक्ट थीटा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमने किया उसको तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल यहाँ पे क्या रहेगा डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू ए थीटा कॉस थीटा ओके ए थीटा कॉस थीटा तो यह भी ये इक्वेशन वन हम उसको दे देते हैं ओके वैसे वाई जक्वल टू क्या था वाईज टू था ए साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस थीटा कॉस थीटा ओके तो क्या इसको डिपोजिट कियाटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा की डेरेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा इज कॉस थीटा के डेरेटिव माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस थीटा का डेरेटिव होगा कॉस एज इज रहेगा ये कॉस थीटा हो जाएगा थीटा का डेरी वन ये माइनस माइनस ये पर माइनस हो जाएगा ठीक है तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या हो गया कैंसल यहाँ पेगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इक्वेशन टू हो गया हमें क्या चाहिए था डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्वेयर तो हम क्या निकालेंगे देर फोर पहले निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा तो डी वाई बाय डी एक्स आएगा हमारा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई क्या है ए थीटा साइन theta और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया हमारा ए theta इन टू कॉस थीटा ए कैंसल थीटा थीटा कैंसल क्या रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या रहेगा टेन थीटा ओके ये टेन थीटा हो गया हमारा ठीक है तब हम देखते हैं हमारे अडी स्के हमें निकलना था नाउ डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर है हमें निकालना है तो अगर हम इसको डिप्रिशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आ गया डी मतलब क्या है डी बाय डी एक्स इधर आ गया टेन थीटा ओके तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फंक्शन किसमें है थीटा में तो थीटा में हमें चेंज करना पड़ेगा तो क्या आएगा डी बाई डी थीटा इन टू टैन थीटा डी थीटा इधर लिया तो डी थीटा इधर लेना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स

ये ए थीटा में इधर लिख देता हूँ और इंटू उसको सेक थीटा लिख देता हूँ ओके okay? तो क्या आएगा देर फोर सेक्स स्क्र थीटा इंटू सेक थीठा मतलब क्या है सेक्स क्यूब थीटा अपॉन ए थीठा ये हो गया हमारा डी स्क्र बाय बाय डी एक्स स्क्र ओके okay? तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें सा आंसर था हमारा ये सी तो इस प्रकार हमने एक दूसरा एग्जाम तीसरा एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया है तो इस प्रकार पूरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग से ले सकते हैं और प्रैक्टिस करिए उसके अपने नोटबुक में लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको जाके ये मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे ओके okay? तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा ए एक्स एस टू पावर यम प्लस वाई एस टू यम इज इक्वल टू वन सच दैट सच दैट और बाय सच दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास अगर एक्स अपॉन वाई है तो देन वाट इज द वैल्यू ऑफ वाट शुड बी शुड बी द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ यम अगर एक्स एस्ट टू द पावर एम प्लस वाई एस्ट टू द पावर एम इक्वल टू वन है सच देट डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हमें दी है माइनस एक्स अपॉन वाई है तो एम की वैल्यू क्या रहेगी तो हमें इसको सिंपली पहले इक्वेशन uh, लिखना है और बाद में उसको सॉल्व करना है तो ओके okay? तो हम उसको सॉल्व करेंगे हमारे पास पहले दिया देर फोर गिवन दैट वन बाय वन एक्स एस टू द पावर यम प्लस वाई एस टू द पावर यम इज इक्वल टू वन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा यम एक्स एस टू दी पावर यम माइनस वन प्लस वाई एस टू दावर यम है तो क्या आएगा यम वाई एस टू दावर यम माइनस वन इंटू डी वाई बाय डी दी एक्स वन क्या है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डी क्या आएगा जीरो तो हमारे पास देखो इधर आ, क्या हो गया अभी डी वाई बाय डी एक्स हमें निकलना है तो हम क्या करेंगे ये ये टर्म उधर भेज देंगे तो क्या होगा यम वाई एस टू दावर यम माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यम एक्स टू दावर यम माइनस वन ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड therefore dy by dx is equal to minus इक्वल x raised to the power टू minus one upon माइनस y raised to the power टू minus one ये जो टर्म थी ये मल्टीप्लाई दौरे जाने के बाद में क्या होगा डिवाइड हो गया तो अभी क्या रहेगा हमारे पास यम एम क्या होगा ये एम एम कैंसल हो जाएगा और माइनस रहेगा सिर्फ therefore फोर by, by dx is equal to minus x raised to the power टू minus one upon y रेस टू पावर एम माइनस वन ओके तो यहाँ तक हमने लिख लिया है अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स गीवन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स गिवन दिया हुआ है हमें तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे देर फोर माइनस एक्स बाय वाई ये हमें गिवन दिया था माइनस एक्स बाय वाई जी इक्वल टू और इसको हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे माइनस लिखा है यहाँ पर माइनस साइन और माइनस साइन हम उसको माइनस साइन निकालना है हमें क्यों माइनस लिखो यहाँ पे पहले माइनस एक्स एम रेस्ट टू द पावर एम माइनस वन और वाई रेस्ट टू द पावर एम माइनस वन तो दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे ओके दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल इधर लिखते हैं देर फोर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर एम माइनस वन अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर एम माइनस वन तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू चलो यहाँ पे क्या करना है हमें यहाँ पे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं x एस टू द पावर यम अपॉन वाई एस टू पावर यम तो हमने यहाँ पे क्या किया यम एक पावर माइनस की तो यहाँ पे यहाँ पे लिख दें वाई अपॉन एक्स अगर यम हम, हम एक्स ऊपर लेंगे तो एक्स एस्ट टू दावर एम एक्स रेस्टू दावर माइनस वन हो जाएगा मतलब x x एस टू द यम माइनस वन हम इसको ऐसा ट्रांसफर किया सिर्फ तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद क्या होगा डिवाइड होगा मतलब क्या होगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स एस टू दावर यम अपॉन वाई एस टू दावर यम ये मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद में डिवाइड होगा डिवाइड होगा मतलब क्या होगा उल्टा हो जाएगा तो एक्सक्वेयर अपॉन वाई स्क् आएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्र अपॉन ये डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको वाई अपॉन एक्स तो ऊपर जाने के बाद में एक्स स्क्र अपॉन वाई स्क्र इक्वल टू एक्स एस टू दावर एम अपॉन वाई एस टू द पावर एम हो जाएगा मतलब क्या है ये दोनों सेम हो गए एक्स अपॉन वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एच टू दी पावर यम मतलब यम इज इक्वल टू क्या हो गया है यम इज इक्वल टू टू तो हमारा आंसर किस में था इसमें हमारा आंसर हमें पे दिया था ए दिया था ऑप्शन जीरो बी दिया था वन सी दिया था टू एंड डी दिया था माइनस वन तो हमारा आंसर कौन सा होगा सी तो ये टू आंसर होगा यहाँ पे ज़रा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है तो आपको समझ में आएगा ठीक है इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए फिफ्थ नंबर का एग्जांपल देखते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रू दावर टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक्स माइनस ई रिज टू दावर लॉग एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर हमें यहाँ ऑप्शन दिया है ए दिया है ई बाय टू बी दिया है ई e, सी दिया है टू ई एंड डी दिया है फोर ई ओके ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए है एफ ऑफ एक्स दिया है तो हम पहले लिखते थे एफ ऑफ एक्स देर फोर एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास दिया वो है ई रेज टू दावर टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ई रिस्ट टू द पावर लॉग एक्स ओके तो यहाँ पे जो है हम सीधा सीधा लिख देते ये फार्मूला जो है हमारा ए रिस्ट टू दावर लॉग ए एक्स अगर ऐसा फार्मूला हमारे पास है तो हम इसका एंसर डायरेक्ट लिखते हैं एक्स तो ये फार्मूला हमें यूज करना e है ई है लॉग के बेस में भी क्या होता है ई e होता है यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट देर फोर ए फल टू ई रेस्ट टू दावर टेन एक्स प्लस

और एक्स का क्या आएगा वन तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा ठीक है देर फोर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है हमारे पास तो ये सेक्स एक्स कैंसल यहाँ पे आएगा एक्स पावर टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस वन ओके अभी हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते देर फोर एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट क्या है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर देर फोर put the value of x इज इक्वल टू फाइव बाई फोर इन द गि इक्वेशन तो वी गेट सेक ऑफ पाइव बाय फोर इसका स्क्वेयर कर देते हैं tan of ऑफ फाइव बाय फोर प्लस टेन ऑफ फाइव बाय फोर माइनस वन ओके तो यहाँ पे क्या है sec of pi by 4 हमारे पास है root 2 और tan of pi by 4 equal to है 1 तो ये दो हमें वैल्यू यहाँ पे फुट करनी है तो क्या आएगा रूट टू का स्क्वेयर इन टू ई रेस्ट टू दावर मतलब वन आएगा टेन टू पावर वन प्लस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पेगा रूट टू का स्क्वेयर टू और ये ईर फोर एफ डैश ऑफ एक्स क्या वेली है हमारी टू ई टू हमारे ऑप्शन में है तो ऑप्शन है सी ओके तो ये इस प्रकार हमने पांच एग्जाम्पल आज देख लिए हैं Uh, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यूज़ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हर एग्ज़ाम्पल अलग टाइप का होता है उसमें अलग अलग फार्मूलेज़ होते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको फार्मूले भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लर्न होंगे और प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होंगी तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ईजी जाएगा सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम लगेगा बिकॉज मैथ्स में है तो टाइम लगता है तो टाइम कवर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कुछ एग्जाम्पल न्यू टाइप के ओके